नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। कहते हैं कि भगवान किसी भी रूप में आ जाते हैं, कभी इंसान के रूप में तो कभी जानवर के रूप में आ जाते हैं। लेकिन गाजीपुर जिले में इंसान के रूप में एक युवक लोगों के लिए फरिश्ता बन गया है और इस फरिश्ते ने लगभग 45 लोगों को बेसो नदी में डूबते हुए उनकी जान बचाई है। हालांकि इस युवक ने अपनी जान की परवाह न कर दूसरों की जान बचाकर मसीहा भी बना है। इस कृत्य को देखकर थाना प्रभारी जंगीपुर ने उसे सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र भी दिया है। इस युवक का पूरा नाम विजय बहादुर निषाद है, जो गाजीपुर के भिट्टा पारा गाँव का निवासी है। ये बेसो नदी में मछली मारता है और उसे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। इस मामले में विजय ने बताया कि हम बेसो नदी में मछली मारते हैं और मेरे सामने अगर कोई बेसो नदी में नहाते वक्त डूबने लगता है तो हम उसे बचाने के लिए बेसो नदी में छलांग लगा लेते हैं और उसे बचाकर बाहर निकालते हैं। ऐसे हमने लगभग 45 लोगों की जान बचाई है। एक बार तो हमने बेसो नदी में एक लाश को बाहर निकाला था। लोगों की जान बचाकर हमें काफी अच्छा लगता है और किसी भी काम करते हैं और मैं लोगों का बहुत लोगों का जान बचाए हैं। कम से कम 45 लोगों का जान बचाए हैं। कैसे? डूबते हुए नाव पर या बैठे रहते हैं किनारे या नहाते हैं, लोग देखते हैं डूबते हुए, उसको बचा लेते हैं। बचाने में बहुत मुझको अच्छा लगता है दूसरों को जान दें मुझको बचाने के लिए। अपने जान खतरे पर रखते तभी भी हम अपने सोचते नहीं हैं कि मर जाएंगे क्या हो जाएंगे, बल्कि बचा लेते हैं। मिला था थाना जंगीपुर थाना से सुरेंद्र दरोगा साहब से मिला था, प्रमाण पत्र दिए थे और कोई काम होता है यार। मैं लड़की के साथ नहा रहा था, पैर फिसल गया, डूबने लगा, पानी ज़्यादा था, बहाव था। मैं बड़ा आवाज़ लगाया कि बचाओ बचाओ, फिर हमने सुना और कूद कर मेरी जान बचाई। आज मेरा शादी हो गया, मेरे दो चार भाई बहन है, आज परिवार के साथ बहुत खुश है। उन्होंने मेरी जान बचाई, उनकी बहुत धन्यवाद उनका। हाँ, हमारे हिसाब से हमारे सामने तो चार लोगों को जान बचाए थे और बहुत लोगों को जान बचाए हैं इधर उधर करने से भी, हम इनके बारे में जानते हैं। इस बार जान बचाए तो लाश भी निकाले थे, तो मंत्री जी के सम्मान भी किया था। तो हमारी जान बच गई, हम तो जानते हैं कि बस भगवान हमें मिल गया। जो हम कहाँ थे अब क्या हो जाता हमारे साथ, हम तो आज आप लोगों के बीच में नहीं रहते। शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने मेरी जान बचाई। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।